अब देखिए सूप का कलर भी बदल गया है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ गया है। आप बना के जरूर देखिएगा, ये नंबर वन टेस्ट होगा आपका। आज हम बनाएंगे चिकन क्लियर सूप। आप सोच रहे होंगे चिकन क्लियर सूप हमने बनाया बहुत इजी है। जो ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका सूप नंबर वन होगा, ये मेरा गारंटी है। वो ट्रिक जो हम यूज करते हैं, मतलब मैं यूज करता हूँ, क्योंकि उसको डालने से सूप इतना टेस्टी और खिलखिला हो जाता है कि बहुत बढ़िया होता है। अगर आप वो ट्रिक यूज करने नहीं चाहते तो मत करिएगा, लेकिन मैं वही आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों स्वागत है शेफ तमाम कुकिंग शो में, मैं हूँ शेफ तमाम। शेयर करते रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये देखिए चिकन क्लियर सूप को बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन स्टॉक। देखिए चिकन स्टॉक मेरा बहुत सारा वीडियो है जिसमें मैंने चिकन स्टॉक के बारे में बताया है, आप बना लीजिएगा। दूसरा जो है एक मैसेज, मुझे सवाल कर रहे थे, मैसेज व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, आप लोगों का सवाल का जवाब है ये चिकन क्लियर सूप। आप लोगों ने कहा कि शेफ बहुत क्लियर पानी के जैसा होता है, कैसे पानी की तरह होगा? आप यार चिकन स्टॉक यूज करेंगे, वेजिटेबल स्टॉक यूज करेंगे तो इस तरीके का हो ही जाएगा। क्लियर सूप मतलब जस्ट थीन सूप जिसमें हम लोग कॉर्नफ्लोर नहीं डालते हैं, और कॉर्नफ्लोर हो गया, कॉर्न स्टार्च हो गया, कोई भी जो चीज मतलब थिकनेस नहीं होता उसको बोलते हैं क्लियर सूप। ये जो क्लियर सूप है ये बहुत बढ़िया सूप भी है। तो आज मैं पहले भी बता दिया आपको चिकन क्लियर सूप बनाना। चलिए तैयार हो जाइए उस ट्रिक को जानने के लिए। लास्ट में वो ट्रिक डाला जाता है, पूरा वीडियो में देखिएगा बिना स्किप करते हुए। तो मैंने पहले ही चिकन काट के रखी हुई है, देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। तो चलिए सीधा चलते हैं सूप बनाने के लिए। अच्छा, बनाने से पहले मैं एक चीज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। काफी सारा कमेंट्स आए थे कि शेफ वेजिटेबल डिश के बारे में बताइए। मैं ये चिकन सूप बना रहा हूँ, अगर आप वेजिटेबल सूप बनाने चाहते हो तो जिस जगह पर मैं चिकन डाल रहा हूँ वहां पर वेजिटेबल डाल दीजिएगा और वेजिटेबल स्टॉक बना लीजिएगा। वेजिटेबल स्टॉक मेरे बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है, मेरा वीडियो देख सूप का वीडियो देख लीजिएगा कैसे वेजिटेबल स्टॉक बनाते हैं। और आपको ये जो चिकन डाल रहा हूँ चिकन मत डालिएगा और वेजिटेबल डालिएगा। लाइक आपको क्या क्या खाना है, ब्रोकोली हो गया, कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, बीन्स हो गया, जो भी आपका मन पसंदीदा वेजिटेबल है तो डाल दीजिएगा डायरेक्ट सूप में। तो आपका बन गया वेजिटेबल क्लियर सूप। वही ट्रिक मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेजिटेबल क्लियर सूप भी आप इतना टेस्टी होगा, आपको आपको पसंद आएगा। अभी जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले चलिए हम सूप ही बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं सूप बनाने के लिए। सबसे पहले ऑफकोर्स आपको सूप चिकन स्टॉक डालना पड़ेगा। देखिए थोड़ी सी मतलब ये जो हमने स्टॉक डाला उबलने के बाद में आपको डालना है चिकन। देखिए मैंने पहले भी बताया अगर आप चिकन नहीं खाते इसमें वेजिटेबल डाल दीजिएगा। देखिए चिकन पका दीजिएगा अच्छी तरह से। मेरा मेरा ख्याल से अगर आप इसी तरीके से चिकन काट के डालेंगे तो आपका 1.5 मिनट में पक जाएगा। अब आपको डालना है यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा और थोड़ी सी आपको डालना है पेपर। ठीक है, हमने नमक और पेपर डाल दिए हैं। अब करना क्या है आपको इस सूप को यहाँ पे डाल के रखना है। आप ट्रिक यूज करेंगे ताकि हमारे जो चिकन क्लियर सूप या वेजिटेबल क्लियर सूप बहुत बढ़िया टेस्ट हो। देखिए ये है ट्रिक, इसको यूज जरूर करिएगा, इसको यूज करके देखिएगा आप, देखना आपका सूप बनेगा नंबर 1। देखिए ये जो बटर है एक पोर्शन में आप इतने से बटर यूज करना, बटर डालना है वैसे। देखिए ये गार्लिक है ना, इतने मोटे मोटे गार्लिक काट के डालना है। देखिए देखिए इसमें आप जिंजर भी डाल सकते हैं, फ्लेवर लाने के लिए जिंजर या गार्लिक कोई भी डाल सकते हैं। इसको ब्राउन करना है। देखिए इस तरीके का हो जाने के बाद क्या करना है, जो पहले हमने सूप बनाया था उस सूप को डालना है। देखिए क्लियर सूप बिल्कुल रेडी है, गार्लिक और बटर के फ्लेवर के साथ में क्लियर सूप। आप कह सकते हैं शेफ बटर नहीं डालते हैं, गार्लिक नहीं डालते हैं, अरे भाई ये ट्रिक आप यूज करके देखना, क्लियर सूप नंबर 1 होगा। सब कुछ डालते हैं, डालने से ही होता है, तो टेस्ट करके देखते हैं।